क्या पीरियड्स में ओरल सेक्स करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह सुबह फोन आए और फोन में वो व्यक्ति मुझे पूछ रहा है कि भाई क्या पीरियड्स में सेक्स करना चाहिए। मतलब भाई क्या हुआ, तो बोले 5वां दिन था पीरियड्स का और 5वें दिन में उसने सेक्स किया, वो भी ओरल सेक्स किया। क्लाइटोरिस को उसने अपने टंग से स्टिमुलेट किया और वो स्टिमुलेट करने के समय वहाँ ब्लीडिंग चालू हो गया। जैसा MC पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, वहाँ ब्लीडिंग चालू हो गया और उसको ऐसा लगा कि अपने मुंह में थोड़ा सा ब्लड चले गया। वहाँ से उसका दिमाग जो है एकदम विचार करने लगा कि अपने को अभी मुंह में तो नहीं गया ब्लड, फिर अभी मुंह में गया तो HIV होगा क्या, फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है गुप्त रोग वो होगा क्या, और वो बार बार विचार उसके दिमाग में आना शुरू हो गए। हालांकि ओरल सेक्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं कि ओरल सेक्स में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई पीरियड्स नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, गुप्त रोग नहीं होना चाहिए, HIV या बाकी कोई गनोरिया सिफिलिस जैसे कोई गुप्त रोग नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है वो ओरल सेक्स के लिए दोनों की सहमति होना आवश्यक है, दोनों की इच्छा होना आवश्यक है। चौथा, ओरल सेक्स में एक तो डेंटल डैम वापरना चाहिए या कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो यदि करते हैं तो डेफिनेटली फिर कोई इन्फेक्शन का चांस होगा नहीं। तो ये यदि इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रिकॉशनरी मेजर किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरल सेक्स के वजह से ना प्रेगनेंसी होती है ना बाकी और कोई खराबा होता है एक्सेप्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। उसमें दोनों की कंसेंट आवश्यक है, दोनों का कन्फर्मेशन, दोनों की इच्छा आवश्यक है, एक की इच्छा से ये होता नहीं है। ओरल सेक्स में क्या होता है कि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा करने से और ये टंग से करने से या लिप से करने से, सक करने से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट स्त्री को आता है, बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसमें उसको मज़ा भी आता है, और वो जितना ज़्यादा मज़ा स्त्री को आता है तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो सेक्स में लेगी और आपका सेक्स भी बहुत एंजॉयबल हो सकता है। तो उतना ही है कि ओरल सेक्स में पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, टालना चाहिए डेफिनेटली। और दूसरा जो है वो कोई भी गुप्त रोग कोई भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ओरल सेक्स में हरदम ये रखना चाहिए कि हरदम का पार्टनर है, नॉन पार्टनर है, और उसके साथ में आप ओरल सेक्स कर सकते हैं या फिर कंडोम जैसे चीज़ों का या डेंटल डैम जैसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।